सर फूल लग गया। Dr. Isha Chakrabarty, you can come ahead and make your presentation. काफी यंग है ये तो। Yeah, young तो है, but I've heard she's a genius, a real prodigy. That's great, yeah. Hello all, coming straight to the point. We all know, बहुत सारे ailments का direct और indirect reason होता है hygiene और the lack of it. Food hygiene, water hygiene, loo hygiene, hygiene at workplace, hygiene in house, hygiene around, etc. और जहाँ resources कम होती है, space कम होती है, वहाँ ये problem और भी strong हो जाती है. For example, Mumbai slums. Estimated 6.5 million लोग slums में रहते हैं, which is 55% of total Mumbai's population. Big number, can't avoid, can't ignore. बहुत बड़ी वर्कफोर्स मुंबई स्लम्स से आती है, स्पेस क्रंच है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग बहुत है, स्पेस कम है, पर फिर भी हम मुंबई स्लम्स को क्लीन और लिवेबल तो रख ही सकते हैं ना. हर ह्यूमन लाइफ को फुल राइट है टू लिव विद रिस्पेक्ट. बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो मीट होनी ही चाहिए, फिर चाहे वो लाइफ स्लम्स में क्यों ना रहती हो. सो माई प्रोजेक्ट इज अबाउट ब्रिंगिंग नेसेसरी चेंजेस इन देयर डेली हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस. एज डॉक्टर्स हमने उन लोगों को एजुकेट किया कि हाइजीन नहीं होने की वजह से उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए उनकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाए. ये मेरे प्रोजेक्ट के डिटेल्स हैं और ये वो स्लम ड्वेलर्स के रिटर्न एक्सपीरियंसेस अबाउट हाउ एक्सेप्टिंग दे वर ऑफ आवर प्रोजेक्ट. वो बहुत बड़े नंबर्स में बहुत सारे एज ग्रुप से आए थे. And I truly believe, अगर ऐसे workshops हम regular basis पे conduct करें, तो हमें cholera, diarrhea, dysentery जैसे ailments में considerably drop देखने मिल सकता है. Thank you, Dr. Chakrabarty. That was very interesting. You may now take a seat. Dr. Piroz Murgiwala, you can come up and show us your presentation, please. Debo, सुन, please गुस्सा मत करना. Trust me, okay? This was needed. देखो, I hope कि तूने कहीं सब कर सका. देखो, देखो सुन, एक बार बात कर ले. तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी की है तुमने, इट डिजर्व्स अ चांस, राइट? यार एक बार बात कर ले, उसके बाद डिसाइड कर लेना. और सुन, तू ही कहती है ना कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, कि काश एक मौका, एक चांस दिया होता. यार चांस है. सुन दे, हमें I'm really very sorry. I was judgmental, okay? मैंने opinion form कर लिया था. मैंने तुम्हें अपनी side of the story बताने का मौका नहीं दिया. सुनो guys, आप उसमें बात करो, okay? बात करो, गुस्सा करो, चिल्लाओ, झगड़ो, जो करना है करो, but just please, please guys, talk. Guys. Thanks. Yeah. देवांगना, मैंने झूठ बोला था. मैं उसे अंडू तो नहीं कर सकता. मैंने तुम्हें हर्ट किया है. मैं उसे भी अंडू नहीं कर सकता. मैं जानता हूं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं वो इंसान नहीं हूं जिससे तुमने प्यार किया था. मेरे पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट्स, एक्सक्यूज कुछ नहीं. मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं देवांग, प्लीज मुझे एक मौका दे दो. जस्ट गिव वन चांस टू अवर रिलेशनशिप. मैंने बहुत रिलैक्स हो गई थी. मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ सेटल्ड है. आई फेल्ट लाइक होम. बट नो, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ. मैं कहीं खो गई हूँ ना. मैं सुन, तेरी अभी की फीलिंग है. हो सकता है कि ये फीलिंग तुझे कल ना हो. ओके, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. सुन, फीलिंग्स पे मत जा. फीलिंग स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है. ओके, तुम दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप है. तुम दोनों ने एक्सपीरियंस किया है. ओके, प्यार करते हो तुम. Just don't throw this away, please. You know, Namit, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारे बीच में सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा या नहीं. मैं तुम पर वापस ट्रस्ट कर पाऊंगी या नहीं. I don't know about it. You just be prepared for that. और हाँ, अभी तुरंत से एकदम से अलग होके मूव आउट नहीं करूंगी मैं.
नाइस मिस्टर सरदेसाई. थैंक यू. वो मिस्टर सरदेसाई, यू लुक गुड बट सच अ वेस्ट. नो एक्सक्यूज मी. अरे आई मीन शादी इज गुड अमेजिंग बट मार्केट से तो आउट हो गए ना. इतने हॉट देखो और वैरायटी एक्सपीरियंस करने को ना मिले. सच अ वेस्ट. यू नो ना मैं मजबूरी में शादी नहीं कर रहा हूँ. जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उससे शादी कर रहा हूँ. सो आई एम ओके नॉट बीइंग इन द मार्केट. यू प्ले द मार्केट. सुनो ना ये मेरी थ्योरी वाली बात डॉक्टर सेना से मत बोलना प्लीज. मैं तो ये सब मजाक करता रहता हूँ. वॉइस लॉकर रूम टॉक यू नो. देखेंगे. ग्रो अप लॉकर रूम बॉय. सुनो ना प्लीज मत बोलना. प्लीज क्या डॉक्टर साठे, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया या टैक्स फ्री चल रहे हो अभी? कभी सीधा बात नहीं कर सकता ना. मन की बात ऐसी रहती है डॉक्टर साठे, टेढ़ी मेढ़ी. कैसा है? मस्त. कैसे? ये भी कैसा चल रहा? सॉलिड एकदम. जैसा सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है. खाली ये अपनी बस्ती के लोग ही नहीं आते, आजू बाजू के स्लम की पब्लिक भी आती है. सॉलिड चल रहा है. और तू बता सीनियर साठे कैसे हैं? He's brilliant यार. रोज सोचता हूँ उनसे कम्पीट करूंगा पर पूरा दिन उनसे सीखने में ही निकल जाता है. बाप बाप होता है. True that. दीपिका के लिए खुश हूँ मैं. फाइनली उन्हें अपना true love मिल गया. ड्रीम जॉब तो था ही, अब ड्रीम मैन भी मिल गया. मेरे को तो लगता नहीं है डॉक्टर सिन्हा ये शादी करेंगे. बच ही नहीं रहा मेरे को उस आदमी के साथ जिसको वो एक आधा साल से जानती है. मैं क्या बोलता हूँ ना, अपुन ना जो भी शैम्पू अपने गटकने का ना गटक ले. मैं भी कोने में जाके ना कुछ खा लेता हूँ क्योंकि मेरे को पक्का लगता है डॉक्टर सिन्हा ये शादी करेंगे. यार कुछ भी बोलता है तू. कुछ भी बोलता. अरे सुना नहीं है क्या दुल्हन शादी छोड़ के भाग गई करती? बहुत बारी होता है ऐसा. और ये वाली दुल्हन तो मेरे को पक्का मालूम है शादी तलक पहुँचेगी ही नहीं. शर्त लगा लेते हैं ना. नहीं नहीं डॉक्टर सिन्हा ये शादी नहीं करेंगे पक्का. नॉनसेंस. निखिल इज राइट फॉर हर. ये बात उन्हें अच्छे से पता है. दीपिका आएंगी. आई बाय. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.